أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد الضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض صدق الله العظيم. मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैंने सूरह हामीम सजदा से तीन आयतों की तिलावत की है, आयत नंबर 49, 50 और 51। ये आयत ह्यूमन बिहेवियर को बताती है कि इंसान मुख्तलिफ अवकात में कैसे बर्ताव करता है। इंसानी शख्सियत पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जा बजा बताया है कि इंसानी शख्सियत के कौन से वो पहलू हैं जो कमज़ोर पहलू हैं, कौन से वो पहलू हैं जहां उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जहां उसे अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ह्यूमन पर्सनालिटीज़ के डिफरेंट डायमेंशन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान फरमाए हैं। उनमें से हमने आज एक डायमेंशन को लिया है ह्यूमन पर्सनालिटी का, इंसानी शख्सियत का एक पहलू जो कमज़ोर पहलू है। वो पहलू ये है कि इंसान के अंदर जब गहराई नहीं होती, जब उसकी पर्सनालिटी के अंदर डेप्थ नहीं होता, जब उसकी शख्सियत शैलो पर्सनालिटी होती है तो नेमतें मिलती है तो अकड़ने लगता है, गुरूर करने लगता है, किबर करने लगता है, समझता है कि ये मेरी काबिलियत है, और जब उसे कोई कमज़ोरी, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है तो फौरन वो गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, आह बुका करने लगता है। ये शख्सियत की जो कमज़ोरी है कि मिले तो अकड़े, ना मिले तो आदमी जो है फौरन पस्त हिम्मत हो जाए। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में एक नहीं, दो नहीं, दसियों जगह इस पर अल्लाह तआला ने कलाम फरमाया है। एक जगह से मैंने ये आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर, इंसान थकता नहीं है भलाई मांगने से। वो चाहता है कि दुनिया की सारी भलाई उसे मिले, वो चाहता है कि डिग्रियां भी उसे मिले, दौलत भी उसे मिले, इज्जत भी उसे मिले, लोग उसके सामने झुके, ख़ानदान में जाए तो सबसे बड़ा लोग उसे तस्लीम करें, अक्लमंद उसी को माने, मदरसों में, इदारों में जाए तो वहाँ सारे जिम्मेदारियाँ और इख्तदार उसे मिले। इंसान चाहता है कि सारी भलाई और सारा खैर उसी को मिले। होता है कि वही मसह शर्रु फयऊसुन खनूद, और अल्लाह ताला जैसे ही उसे उस पर कोई उस्ताद भेजता है, जैसे ही उस पर कोई परेशानी आती है, जैसे ही उसका कोई प्लान ठप हो जाता है या उसके मंसूबे के मुताबिक जब हालात साजगार नहीं होते तो वो मायूस हो जाता है। ये दो इंतहा है, चाहता है कि सारा खैर उसे मिले, सारी दौलत उसे मिले, सारी अकल उसे मिले, सारी इज्जत उसे मिले, सारा इख्तदार उसे मिले, और अल्लाह ताला अगर कोई रोड़ा अटका दे, कोई रोड ब्लॉक उसके सामने आ जाए, उसका मंसूबा पूरा नहीं होता है तो फौरन आदमी खुनूतियत का शिकार होता है, पेसिमिस्ट हो जाता है, मायूस होने लगता है। वालैन अदखना रहमतम मिन्ना मिन बाद दर्रा, कहा कि अल्लाह ताला ने कि जब हम उसके उस मुश्किल को हटा देते हैं, उस तकलीफ को हटा देते हैं वहाँ से, रास्ते से, तो फौरन ये है कि कहने लगता है लयकूलुन्ना हादा ली, भाई ये मुश्किल अगर दूर हो गई तो इसमें किसी का कोई एहसान नहीं है, ये मेरी तदबीर है, मैंने प्लानिंग की, मैं दौड़ दौड़ कर गया, मैंने फलां काम किया, मैंने फलां को अप्रोच किया, ये मेरी मनसूबाबंदी थी जिसके नतीजे में आज मुझे ये खुशहाली आई है। इन्हें एक सेकंड पहले उसकी सूरत हाल दूसरी थी, वो चाहता था कि अल्लाह ताला उसकी मुसीबत को दूर करे और अल्लाह ने उसकी मुसीबत दूर कर दी, तो वो कहता है कि ये तो मेरी स्ट्रेटेजी थी, ये तो मेरी प्लानिंग थी, ये तो मेरा कमाल था जिसके नतीजे में यह हुआ, और मुस्तकबिल में भी वो समझता है कि हमेशा खुशहाल रहेगा। वमा अज़ुन्नुस्सा क़ायमा, मैं नहीं समझता कि क़यामत वायमत आने वाली, ये सब ऐसे ही लोगों ने बना रखा है मामलात को, क़यामत वगैरह आने वाली नहीं, अगर अगर वैसे आ भी जाए जैसे कि लोग कहते हैं तो इंसान समझता है वलई रुजी तो इला रब्बी इन ली इंदहु लल हुस्ना, अगर हो भी जाए क़यामत तब भी वहाँ मेरे लिए खैर ही खैर है, तब भी वहाँ मेरे लिए इज्जत ही इज्जत है, आखिरत तो नहीं आएगी, आ भी जाए तो मेरे लिए वहाँ भी भलाई होगी, आदमी इस तरह से समझने लगता है।
फिर अल्लाह ताला कहता है वलनुनबियन्नल्लज़ीना कफरू बिमा अमिलू वलनुज़िक़न्नहुम मिन अज़ाबिन ग़लीज़। हम काफिरों को बता देंगे जो कुछ उन्होंने अमल किया है और उनके किए करतूत का सख्त तरीन अजाब का मज़ा उनको हम चखाएंगे। उसके बाद फरमाया वैदा अनाम नाल इंसानी आ रजा, जब हम उसे इनाम देते हैं, जब उसे हम खुशहाली देते हैं, जब उसे हम दौलत देते हैं, जब हर काम उसके एकदम सही ढंच पर चलने लगते हैं, तो करता क्या है, आ रजा, वो मुंह मोड़कर चलता है, वो खुदा से एराज करता है, वन आ भी जानी भी और करवट पलट जाता है, याद ही नहीं करता खुदा को। वैदा मसहू शर्रो, और अगर उसे मुसीबत आ जाए, फजू दुआ इन अरीज, और लंबी लंबी दुआएं करने लगता है। मुसीबत आ जाए तो लंबी दुआ करता है, नेमत मिले तो आदमी यूं पलट कर चल देता है जैसे कि उसने कभी खुदा को पुकारा ही नहीं था। ये एक जगह की आयत है जिसका मैंने आपको तर्जुमा सुनाया। कुरान में ऐसी और बहुत सी आयतें हैं, मैं सरसरी तौर पर उन आयतों को सुना देता हूँ, फिर इसके बाद इंशाल्लाह उसकी थोड़ी सी मुख्तसर तशरीह करूंगा। एक जगह सूरह यूनुस में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वैज़ा मस्सल इंसानु ज़ुर्रु दआना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा, जब इंसान को मुसीबत आती है तो वह हमें पुकारता है लेटे हुए, बैठे हुए और खड़े हुए। नमाज में खड़े खड़े दुआ करता है, बैठे बैठे दुआ करता है, बिस्तर पर जाता है तो सोते हुए दुआ करता है, हर पहलू खुदा को याद करता है जब उसे कोई मुसीबत छू जाती है। फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रु, जब हम उससे उस मुसीबत को दूर कर देते हैं, मर्रक अल्लम यदउना इला ज़ुर्रिम मस्सा, वो यूं पलट कर चल देता है जैसा कि उसने मुसीबत के वक्त हमको कभी पुकारा ही नहीं था। ये वही बात है जो एक दूसरे पैराए में अल्लाह तबारक तआला ने बयान फरमाई है। बनी इसराइल में अल्लाह तआला ने सूरे के अंदर फरमाया वैज़ा अनामना अलल इंसानी आरज़ा वना भी जानी भी वैज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, जब अल्लाह तआला नेमत से इंसान को नवाजता है तो वो दीन से पलट जाता है, खुदा से पलट जाता है, उसकी इबादत से पलट जाता है। जब उस पर मुसीबत आ पड़ती है तो खुदा की तरफ मायूस होकर लौटता है। सूरह हूद में इसी बात को एक दूसरे अंदाज में फरमाया वलैन अज़ख़नल इंसाना मिन्ना रहमतन थुम्मा नज़अना मिन्हू, जब हम इंसान को नेमत देते हैं, दौलत देते हैं, आसाइश देते हैं और फिर जब उससे हम छीन लेते हैं तो होता यह है कि इन्नहू लयऊसुन कफूर, कि वह नाशुकरा हो जाता है और मायूस हो जाता है। जब मिला तो शुक्रगुजार नहीं था, जब नहीं मिला तो इंसान नाशुकरा भी होता है और मायूस भी हो जाता है। वलैन अज़ख़नाहू नअमा बाद ज़र्रा, जब नेमत हम देते हैं तकलीफ़ के बाद, उसकी मुसीबत को दूर करते हैं और उसे नेमत से नवाजते हैं, तो कहता है लयखूलन्ना ज़हबत सय्याती अन्नी, जो तकलीफ़ गई वो मेरी वजह से गई, मेरी प्लानिंग, मेरी मनसूबाबंदी, मेरी कोशिशें, मेरे जतन के नतीजे में वो मुसीबत दूर हो गई। व इन्नहु लफ़रिहुन फ़खूर, वो इतराता है और फ़ख्र करने लगता है। ये एक ही बात है जो मुख्तलिफ अंदाज़ से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हामीम सजदा में, सूरह यूनुस में, सूरह बनी इसराइल में, सूरह हूद में, सूरह मआरिज में, सूरह फजर में अल्लाह तबारक व तआला ने इस पहलू को बयान किया है। अब हम इसका ज़रा नफ्सियाती तज़िया करते हैं कि इंसान का ये मिजाज, देखिए एक बात कुरान में याद रखिए, जब भी अल इंसान कहेगा कुरान, वो कामन मैन का बिहेवियर होता है और इससे एक्सेप्शन सिर्फ मुसलमान होते हैं, ईमान उसे करेक्ट करता है। कुरान में जहाँ भी अल इंसान की बात आएगी वो कॉमन मैन का बिहेवियर है, आम इंसान ऐसा करेगा लेकिन बंदे मोमिन ऐसा नहीं करेगा। मोमिन जो है ईमान के नतीजे में अपना रवैया दुरुस्त कर लेता है। अब हम जब इसका तज्जिया करके देखते हैं तो मालूम होता है कि ज़िंदगी एक आगे धकेलने वाली क़ुव्वत है, ज़िंदगी आदमी को आगे ले चलती है, लेकिन जैसे ही कोई रोड ब्लॉक आ गया, जैसे ही कोई इफ्ताद आ गई, जैसे ही कोई रुकावट आ गई, आदमी पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे उस अजीम हस्ती को याद करने का मौका मिलता है जिसके नतीजे में सब खजाने की कुदरत उसके हाथ में है, सारे खजाने की कुंजियाँ उसके हाथ में, अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में, तब उसे वो याद आता है और खुदा को याद करने लगता है। और फिर जब मुश्किल दूर हो जाए तो ज़िंदगी रवान दवा, जोश खरोश, वलवला, अज़्म, मंसूबे और ख्वाबों की एक दुनिया तामीर करता है। जब आदमी को खुशहाली आती है, जब उसकी कश्ती रवान दवा होती है खुशी में, वो बहुत मंसूबे बनाता है और जब वो फंसता है तब वो रोता और गिड़गिड़ाता है। इसकी नफ्सियात का जो तज़िया है उनमें से नंबर एक, पहला जो एनालिसिस है वो ये है कि आदमी जब क़ुव्वत और शौकत उसे मिलती है तो उस वक्त वो फरेब में मुब्तला होता है कि ये मुझे हमेशा कायम रहने वाली है, ये उसका फरेब है, ये उसका धोखा है। आदमी को जवानी मिली, कुछ दिनों का ढल गई जवानी, आदमी को दौलत मिली, फिर उसके बाद हुआ कि सब बिज़नेस के हालात ही बदल जाते हैं, पूरी दुनिया बदल जाती है, मंसूबे बदल जाते हैं, प्लानिंग बदल जाती है, तो आदमी का जो है बिज़नेस भी ख़राब हो जाता है। तो क़ुव्वत, दौलत और शौकत मिले तो आदमी को यह फरेब है कि वो हमेशा उसके पास वो चीज़ें रहेगी और लवाजिम हयात से वो मुस्तफीद होना चाहता है, दुनिया की सारी नेमत वो चाहता है, घर भी मिले, कार भी मिले, छोटी कार भी मिले, बड़ी कार भी मिले, सब दुनिया की हर नेमत वो चाहता है।
और फिर जब अल्लाह ताला संग गिरा हायल करता है, कोई मुसीबत आती है, तो इंसान तब उसे अकल ठिकाने लगती है कि साहब ये सब चीज़ें परमानेंट नहीं हैं, तब उसे मालूम होता है। हालांकि एक बात याद रखिए कि एक साहब ने लिखा था बहुत अच्छी बात कि बच्चों का जब खिलौना टूटता है तब पहला सबक उनको जो देना चाहिए माँ बाप के हिस्से से, हम करते क्या है जब खिलौना टूट जाए तो कहते हैं कि हाँ तेरा बड़ा भी खराब था, उसने तोड़ दिया, अरे ये खंबे ने तोड़ दिया, खंबे को हम मारते हैं ताकि बच्चा रोना छोड़ दे, यही करते हैं ना हम लोग, खंबे को मारते हैं, फलां को करते हैं, बड़े भाई को गाली देते हैं, हाँ उसने खराब कर दिया। बच्चों को ये बताना चाहिए कि दुनिया में हर चीज़ फानी है, उसका पहला एग्जाम्पल पहला रियलाइजेशन खिलौना टूटता है, उनको बताना चाहिए कि दुनिया की हर चीज़ फना होने वाली है, आज तुम्हारा खिलौना टूटा, कल तुम्हारी साइकिल टूटेगी, परसों तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारे अब्बा खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी अम्मी खत्म हो जाएगी। बच्चों को बचपन से खिलौने का टूटना पहला सबक है कि दुनिया की कोई नेमत परमानेंट नहीं है, ये पहला सबक है। दूसरी बात एनालिसिस में बात समझ में आती है कि ये वो लोग करते हैं, ये जो बिहेवियर है ये आम मुसलमानों का नहीं है, ये उन लोगों का है जो खुदा को दर्द की दवा के हिस्से से इस्तेमाल करते हैं। खुदा पेन किलर है, जब पेन आए तो खुदा याद आए, जब पेन दूर हो जाए तो आदमी थोड़ी टैबलेट रोजाना खाता है बल्कि टैबलेट से नफरत करने लगता है, तो ये उन लोगों का बिहेवियर है। अब आप आम समाज में देखिए, इम्तिहान का वक्त आता है तो तलबा नौजवानों की कसरत मंदिरों के सामने चर्चेस के सामने आपको नजर आएगी, है ना। जब मार्केट डल हो जाता है तो आपको देखेंगे कि लोग जो है बहुत लंबी लंबी दुआएं नमाजें भी पढ़ते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं और बहुत से काम करने लगते हैं। ये उन लोगों का रवैया होता है जो खुदा को पेन किलर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। खुदा जो है एनर्जी बूस्टर है, कुरान ने बताया ना कि आदमी खुदा को याद करता है तो इत्मीनान कल्ब मिलता है। अल्लदीन आमनू तत्मईन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल कुलूब। मोमिन के नज़दीक खुदा एनर्जी बूस्टर है और ये ह्यूमन बिहेवियर में ये बताता है कि खुदा पेन किलर है। ये उन लोगों का रवैया है जो खुदा को गोया दर्द की हैसियत से इस्तेमाल करते हैं, दर्द की दवा की हैसियत से। ये उन लोगों का रवैया है जो खुदा की अजमत से ना आशना होते हैं, वो खुदा की अजमत को नहीं पहचानते। खुदा की अजमत ये है कि अच्छाई में भी उसे याद करें, बुराई में भी उसे याद करें। खुदा की अजमत से वो लोग नावाकिफ हैं जो सिर्फ बुराई में उसे याद करें, खुशहाली में उसे फरामोश कर दें। यह इंसान का सही रवैया नहीं है। तीसरा मामला यह है कि नेमत में आइंटता है इंसान, यह रवैया सही नहीं है, और मुसीबत में आदमी गिड़गिड़ाता है और रोता है, यह रवैया उसका सही नहीं है। नेमत जब मिलती है तो आदमी अपने आप को सब कुछ समझता है, हर इंटेलिजेंट आदमी मतलब वो समझता है कि वही इंटेलिजेंट भी है, वही सब कुछ है, और जब उस पर मुसीबत आती है वो समझता है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जलील हूँ, हकीर हूँ, फकीर हूँ। ये दोनों एक्सट्रीम है, इस्लाम इससे मना करता है। नेमत मिले तो आप समझें कि अल्लाह ने ये दिया है, हम अपना लिमिटेशन पहचाने, हम हर चीज़ नहीं, और जब मुसीबत मिले तो आदमी ये ना समझे कि मैं कुछ नहीं हूँ, नहीं अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। मुसीबत आने के बावजूद भी इंसान वर्थ है करोड़ों रुपये का, आदमी पहचान सकता है, तो ये तवाज़ुन से हट जाता है। भलाई मिले तो आदमी तौफीक अदा करे, शुक्र अदा करे, बुराई मिले तो आदमी बेसब्रा नहीं होना चाहिए। फख्र फाखा बीमारी मुसीबत आए तो आदमी घबरा उठता है, और माल दौलत तंदुरुस्ती फराखी मिलती है तो आदमी जो है नेकी के लिए हाथ खुलता नहीं, उसका चंदा नहीं देता, खैरात नहीं दे पाता है जब अल्लाह ताला दौलत देता है। ये सब चीज़ें इंसान की पैदाइशी कमजोरियाँ हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि ये कमजोरियाँ दूर नहीं हो सकती। तरबियत से, ईमान से, आदमी अपने आप पर गौर फिक्र करने से ये कमजोरियाँ इंसान की दूर हो सकती हैं। एक बात मैं अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा, वो ये है कि खुशी हो या गम, नेमत हो कि मुसीबत हो, इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि ये पायदार नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, हर चीज़ गुजरने वाली है। नेमत मिली गुजर जाएगी, मुसीबत मिली गुजर जाएगी। बनी इसराइल के किताबों में एक वाक़या लिखा हुआ है, मैंने वो वाक़या पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहा कि बनी इसराइल में एक बादशाह था, उसने कहा कि कभी जब हम ज़्यादा हो जाता है तो वो अपने हवारियों को बुलाता है और कहता है कि मेरे लिए कुछ इलाज बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत मुसीबत ज़्यादा हूँ वगैरह वगैरह। उनमें एक अकलमंद आदमी था, उसने कहा कि जहाँ पना आप अगर मुसीबत में ही परेशानी में ही आप जंग हार जाते हैं, आपको कोई तकलीफ होती है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक अंगूठी है, उस अंगूठी को तलाश करना पड़ेगा, वो अगर मिल जाए और अगर आप पहन लें वो अंगूठी तो उसके नतीजे में आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। अब उसने सारे वजीरों को भेजा कि जाओ गाँव में तलाश करके लाओ ऐसी अंगूठी, उसने कोई नशा नहीं बताई। इधर उधर लोग गए कारिंदे, कहीं भी वो अंगूठी नहीं मिली। एक आदमी गया, एक पुरानी दुकान पर गया जो धूल से अटी हुई थी, उस दुकान पर जाकर उसने पूछा तो दुकानदार ने कहा कि मेरे पास एक पुरानी अंगूठी है और वो भी लोहे की अंगूठी है। वो ऊपर चढ़ा और धूल में अटा हुआ एक डब्बा निकाला और उसमें से एक अंगूठी उसने दी।
उस अंगूठी में हिब्रू लैंग्वेज में, इब्रानी जबान थी ना यहूदियों की, उसमें एक जुमला लिखा हुआ था, गमजे यावर, गमजे यावर। इसका मतलब है ये भी गुजर जाएगा, इसका मतलब है ये भी गुजर जाएगा। अब वो अंगूठी लेकर गया वो सिपाही खुश खुश, और बादशाह के पास जाकर उसने कहा कि आप जिस अंगूठी की तलाश में थे, ये अंगूठी आपके लिए है। जब उस अंगूठी को उसने देखा तो बहुत नाराज हुआ। बादशाह है, उसके शायन है, शायन अंगूठी सोने की होनी चाहिए थी, हीरे की होनी चाहिए थी, खूबसूरत उसके ऊपर डायमंड लगा हुआ होना चाहिए था, ये धूल में अटी हुई अंगूठी और वो भी लोहे की, एक मामूली अंगूठी लाए, उठाकर उसने फेंक दिया। वजीर ने कहा कि जहां पना जरा उसको उठाकर पढ़िए तो सही, उसमें एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है जो आपके लिए इलाज है। कहा कि लाओ उस अंगूठी को। अंगूठी लाकर उसने देखा तो उसमें लिखा हुआ है यह गमजा यावर, कहा कि ये भी गुजर जाएगा। तो उस वजीर ने बताया कि इस अंगूठी को पहन लीजिए, जब भी कोई तकलीफ आए इसको पढ़िए, जब भी कोई खुशी आए इसको पढ़े। तो फिर जब भी उसे कोई मुसीबत आती तो पढ़ता था कि साहब ये गुजर जाएगा, ये तकलीफ हो दूर हो जाएगी, ये मुसीबत दूर हो जाएगी। तो इससे मालूम होता है कि नेमत ये भी गुजरने वाली है, परमानेंट नेमत नहीं मिलती है, मुसीबत ये भी गुजरने वाली है। इससे एक सबक ये भी मिलता है, हर इंसान की जिंदगी में बारी बारी नेमत और मुसीबत आती है। ऐसा कोई इंसान नहीं पैदा हुआ हमारी मालूमात की हद तक जो पैदा इससे लेकर खबर पहुंचने तक इनाम ही इनाम पाता रहा, नहीं है। और ऐसा कोई इंसान हमने दुनिया में नहीं देखा जो पैदा इससे लेकर मौत तक सिर्फ तकलीफ और मुसीबत ही में जिंदगी गुजारता रहा हो। अंबिया से बढ़कर कौन हो सकते हैं, उन पर भी तो मुसीबतें आई, उन पर भी तो मसायब आए, उन पर भी तो मुश्किलात आई, उनके भी तो बच्चे इंतकाल हुए, उनकी भी तो बीवियां गुजरी, उनके पर उन पर भी तो उनके बिजनेस भी तो ठप हुए, उन पर भी तो लोगों ने हंसा, गालियां दी, दीवाना कहा, मजनून कहा, सब तकलीफें उन पर भी आई। तो नेमत भी परमानेंट नहीं, ये भी गुजर जाने वाली है, मुसीबत ये भी परमानेंट नहीं, ये भी गुजर जाने वाली है, आदमी को इसका रियलाइजेशन होना चाहिए। एक और बात जो इंसान को होनी चाहिए वो है कि इंसान नेमत पर निगाह रखे और मुसीबत पर निगाह कम रखे। हमारा मामला उल्टा होता है, मुसीबत आती है तो उस पर हमारी निगाह होती है, हर आदमी को बोलते फिरता है साहब मेरा देखिए इतना लॉस हो गया, मेरा फलां मसला हो गया, हमारे घर में फलां बीमारी हो गई, हॉस्पिटल गया तो 400,000 रुपए का बिल मैंने निकाल दिया, सबको आदमी सुनाता है। जब नेमत मिलती है तो किसी को नहीं सुनाता, छुपा के ले जाके माल रख लेता है घर के अंदर। यह इंसान का रवैया है कि मुसीबत आती है तो ढंढोरा पीटता है, नेमत मिलती है तो उस पर उसकी निगाह नहीं होती। मौलाना यूसुफ इस्लाही साहब ने एक वाक्य सुनाया था, अब मुझे वो नाम याद नहीं रहा, उसमें उन्होंने एक बात ये बताई थी, बुजुर्ग का नाम मुझे याद नहीं है, कि एक बड़े बुजुर्ग थे वो मस्जिद से निकले तो एक आदमी एक पांव से लंगड़ा था, माजूर था, वो बहुत आह बुका कर रहा था, रो रहा था, कह रहा था मैं लंगड़ा हूँ, लूला हूँ, मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। वो बुजुर्ग उसके पास गए और उससे कहा कि भाई तू तो जो है लखपति है, रोता क्यों है? वो नाराज हुआ लंगड़ा फकीर, उसने कहा कि हजरत आप मुझसे मजाक करते हैं, मैं तो लंगड़ा हूँ, मैं भिखारी हूँ, मुझे चाहिए। कहा कि नहीं नहीं तुम लखपति हो। कहा कि तुम्हारी सिर्फ एक टांग नहीं है, दूसरी टांग है, मैं 2,00,000 रुपए देता हूँ, क्या वो टांग तुम काट कर दे सकते हो? कहा कि नहीं। तुम्हारे पास दो आंखें, एक आंख के लिए मैं 5,00,000 रुपए देता हूँ, क्या तुम दे सकते हो? कहा कि नहीं दे सकता। तुम्हारे पास गुर्दे हैं, 2,00,000 रुपए में देता हूँ, दे दो एक गुर्दा। अल्लाह ताला ने तुमको सर से लेकर पैर तक इतनी नेमतें, इतनी नेमतों से नवाजा है कि एक पैर नहीं है तो दूसरा पैर तो जिस पर तुम खड़े हो सकते हो, दो हाथ तो दिए अल्लाह ताला ने जिससे तुम काम कर सकते हो, अल्लाह ने तुमको जबान दी है, जबान से भी तुम कमा सकते हो, आदमी हाथ के बगैर जबान से भी कमा सकता है, आंखों से कमा सकता है, तुम अगर चाहो तो बहुत कुछ मेहनत करके पैसे कमा सकते हो। तुम्हारी बदकिस्मती है कि अल्लाह ने जिस चीज से महरूम किया उसका वावेला मचाते हो, और अल्लाह ने उसके मुकाबले में एक चीज से माजूर किया और 99 चीजों से अल्लाह ने नवाजा तो तुम्हें उसकी शुक्र अदा करने की तौफीक नहीं, तुम उससे कमाना नहीं चाहते। तो मालूम हुआ कि इंसान नेमतों पर निगाह कम रखता है और कमजोरी पर, महरूमी पर, उस पर जो मुसीबत आती है उस पर उसकी निगाह ज्यादा होती है। एक और बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, नेमत मिलती है तो उस नेमत के पीछे बहुत से लोगों का हाथ भी होता है, बहुत से लोगों ने मदद की, बाप ने किया, भाई ने किया, समाज के दीगर दोस्तों ने किया। जब आदमी को नेमत मिलती है तालीम में, डिग्री में, जॉब में, प्रोफेशन में, बिजनेस में, आदमी नेमत जब मिलती है तो एहसान करने वालों को भूल जाता है। मुसीबत आती है तो बोलता है कि नहीं साहब वो हमारा पड़ोसी है, बहुत जादू करने वाला है, वो हमारी बड़ी वो फलां रिश्तेदार है, वो जो है जादू टोने टोंके करने वाले हैं, फलां की नज़र मुझे लग गई, फलां ने मुझसे हसद किया क्योंकि मैं बहुत अच्छा बिजनेस करता हूँ। मुसीबत आती है तो तलाश करता है असबाब को कि उनकी हसद से, उनकी नज़र बद से, उनके जादू से, उनके फलां से ही मुझे हो गया। जब खैर मिले तो याद नहीं रहता कि इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से खैर मिला। देखिए ह्यूमन बिहेवियर को अल्लाह तबारक तआला ने बताया, नेमत मिलती है तो भूल जाता है, शर मिले, मुसीबत मिले तो असबाब तलाश करता है, कहता कि फलां और फलां की वजह से ये हुआ है। इस पर्सनालिटी के ट्रेड से बंदे मोमिनीन बचे रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का हाल अजीब है, उसे जब मुसीबत मिलती है तो भी अजर मिलता है, उसे जब नेमत मिलती है तो भी अजर मिलता है। सहाबा ने पूछा कैसे?
आपने फरमाया मुसीबत मिलती है तो सब्र करता है तो अजर मिलता है, नेमत मिलती है तो शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला अजर देता है। तो मोमिन का मामला अजीब है, मुसीबत में भी उसे अजर और नेमत में भी उसे अजर, इसलिए कि वो मुसीबत में सब्र करता है और नेमत पाने पर वो शुक्र अदा करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात कही, वो आपने ये फरमाया कि लोगों को चाहिए कि खैर के मामले में वो अपने से ऊंचों को देखे और मुसीबत के मामले में अपने से नीचे को देखे। आदमी जब मुसीबत में है तो देखे कि जब मुझसे ज़्यादा मुसीबत में तो वो आदमी है, मेरे पास किराए का घर है तो आदमी को उसको देखे जो झोंपड़ी में रहता है, जिसके पास झोंपड़ी है वो देखे कि सब आदमी फुटपाथ में रहता है, जिसे अल्लाह ने दो टांगे दी वो आदमी लंगड़े को देखे कहे कि सब मुझे तो अल्लाह ताला ने दो टांगे तो दी है। तो आदमी मुसीबत में अपने से नीचे को देखे और नेकी में अपने से ऊपर को देखे। मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, उस आदमी को देखूँ जो तहज्जुद की नमाज़ भी तो पढ़ता है। मैं साल में जो है ज़कात निकालता हूँ, मैं उस आदमी को तो देखूँ जो महीने भर जो है सदका करता रहता है, साल भर सदका करते रहता है। तो नेकी में आदमी भलाई में ऊपर को देखे और मुसीबत में आदमी जब नीचे को देखता है तब उसकी शख्सियत में तवाज़ुन आता है, एतदाल आता है, उसकी पर्सनैलिटी में डेप्थ पैदा होता है। ये हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी। आखिरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी को यह ख्वाहिश हो कि मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला उसकी दुआ जल्द कबूल करे, यह हदीस है, जिस आदमी की यह तमन्ना हो कि मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला उसकी दुआ जल्द कबूल करे, उस आदमी को चाहिए कि खुशहाली के ज़माने में वो हमेशा दुआ करता रहे। खुशहाली के ज़माने में जो आदमी दुआ करता रहता है, मुसीबत के वक्त जब अल्लाह ताला की बारगाह में लौटता है तो अल्लाह ताला समझता है कि ये बंदा तो मेरे बारगाह में हमेशा आते रहता है, लिहाजा उसका फाइल फौरन पास कर दिया जाता है। और जो आदमी बरसों में एक मरतबा मुसीबत के वक्त आता है उसका फाइल ज़रा देर से मूव होता है, इसलिए को कई महीनों के बाद आया है खुदा की बारगाह में। तो अल्लाह के रसूल ने कितना अच्छा नुक्ता बताया कि जब आदमी चाहे कि मुसीबतों में उसकी दुआ सुनी जाए तो उसे चाहिए कि खुशहाली के ज़माने में वो लंबी दुआ करता रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मुसीबत और नेमत के इस फलसफे को समझने की तौफीक अता फरमाए, और जब मुसीबत आए तो सब्र करने की तौफीक दे, जब अल्लाह ताला हमें नेमत से नवाजे तो अल्लाह ताला हमें शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और आम दिनों में भी अल्लाह ताला हमें खूब खूब दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।